नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि लाल बत्ती कल्चर को वो जल्द ही खत्म करने वाले हैं। और मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर मोहर लगा दी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है। आने वाली 1 मई से अब सिर्फ 5 लोग ही लाल बत्ती का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा स्पीकर ही लाल बत्ती का इस्तेमाल कर सकेंगे। सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि 1 मई तक प्रधानमंत्री भी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे पहले सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी रिपोर्ट पीएमओ को सौंपी थी, जिसमें उन्होंने लाल बत्ती कल्चर के इस्तेमाल पर सर्वे और डिपार्टमेंट की राय दी थी। मोदी के इस फैसले से उनके केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों के लिए ही मुश्किलें बढ़ेंगी। उनकी गाड़ियों से भी लाल बत्ती उतर जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीवीआईपी कल्चर को दरकिनार कर सामान्य ट्रैफिक में लोक कल्याण मार्ग से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट का सफर तय किया था। भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगुवाई करने मोदी पहुंच गए थे। पीएम मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के स्वागत के लिए प्रोटोकॉल के विपरीत आईजीआई हवाई अड्डे पर खुद पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सिर्फ ड्राइवर और एक एसपीजी कमांडो ही थे। और अब ये फैसला मोदी के बड़े फैसलों में से एक है। NMF News की रिपोर्ट।